हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको प्री लाइटनिंग किस तरीके से करनी है ब्लेंडर और डेवलपर के साथ में, और उसके ऊपर आपको कलर डिपॉजिट किस तरीके से करना है ट्यूब के साथ में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, आई होप आपको पसंद आएगी। और इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है डेवलपर 30 वॉल्यूम, और स्ट्रेक्स का हमने लिया है ब्लेंडर, और स्ट्रेक्स की यहाँ पर हमने ली है ट्यूब, और यहाँ पे हमने लिए हैं सिल्वर फॉयल। और जब भी आप हाईलाइट करते हैं, याद रखें सिल्वर फॉयल की जो थिकनेस है वो मोटी होनी चाहिए, पतले वाले फॉयल नहीं होने चाहिए, आपको ही प्रॉब्लम होगी करने में। ठीक है, और अभी आप इससे पहले जो क्लिप देख रहे थे ना, वो था उनका हाईलाइट करने से पहले के हेयर। और यहाँ पे हमने जो कलर ट्यूब ली है, ये ली है लाइट ब्लोंड 8 नंबर की ट्यूब है, और इसका जो रेशो होता है 1:1 होता है, और इसकी मिक्सिंग हमें करनी होती है डेवलपर 20 वॉल्यूम के साथ में। याद रखें, जब भी आप ट्यूब के साथ काम कर रहे हैं तो आपको 20 वॉल्यूम डेवलपर लेना है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ मिक्सिंग बता देती हूँ कि जब भी आप ब्लेंडर और डेवलपर की मिक्सिंग करते हैं तो किस तरीके से करनी है। जब भी आप ब्लेंडर और डेवलपर से हाईलाइट करें तो आपको 30 वॉल्यूम या फिर 40 वॉल्यूम लेना है। ठीक है, उसकी मिक्सिंग कैसी होनी चाहिए, यानी कि जितना आपका ब्लेंडर होना चाहिए उसका डबल आपका डेवलपर होना चाहिए, याद रखें, है ना। इसकी मिक्सिंग अच्छे से करनी है, बिल्कुल प्रॉपर, एक भी पार्टिकल रहना नहीं चाहिए, एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन जाना चाहिए। तो जब भी हम हाईलाइट करते हैं तो या तो आप डायरेक्ट कलर ट्यूब के साथ करें, बट अगर किसी के हेयर ऐसे हैं कि वो बिना डेवलपर ब्लेंडर से अच्छा रिजल्ट आएगा ही नहीं, तो उनको आपको सबसे पहले ब्लेंडर डेवलपर के साथ में कलर देना है। तो आप देख लीजिए, इनको हमने ब्लेंडर जो डेवलपर का जो पेस्ट बनाया था हमने पहले वो लगाया हाईलाइट किए, ठीक है, उसका कलर कुछ इस तरीके से आया था। जैसे हमने उसको रिमूव किया वेट टिश्यू के साथ, है ना, गीले कपड़े से हमने उसको क्लीन किया। उसके बाद अभी देखना मैं क्या कर रही हूँ, हमने फिर से सिल्वर फॉयल लिया फ्रेश वाला, और अब ये जो पेस्ट देख रहे हैं ना, अब इसकी क्लिप मुझसे मिस हो गई, तो मैं बताती हूँ उसका पेस्ट हमने किस तरीके से बनाया। इससे पहले आपने जो एक ट्यूब देखी थी ना 8 नंबर की, यानी कि ब्लोंड, उसकी मिक्सिंग हमने करी थी 20 वॉल्यूम डेवलपर के साथ में। इससे पहले जो मैंने मिक्सिंग दिखाई थी उसमें हमने 30 वॉल्यूम डेवलपर लिया, क्योंकि जब ब्लेंडर के साथ में काम करते हैं तो उसमें हमें 30 या 40 वॉल्यूम डेवलपर लेना है, और जब हम कलर ट्यूब के साथ उसकी एप्लीकेशन करते हैं, है ना, तो उसमें हमें 20 वॉल्यूम डेवलपर लेना है, याद रखें। और ये कलर ऐसा है कि अगर ये आपके रूट में भी टच होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब ब्लेंडर के साथ में हम कलर करते हैं तो वो बिल्कुल भी रूट पर नहीं लगना चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखना। तो भी क्या किया हमने, इस पेस्ट को अच्छे से लगा दिया, उसको सिल्वर फॉयल में इस तरीके से रैप कर दिया, और इसको हम छोड़ देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। तो काफ़ी लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि आपने इतने सारे हाईलाइट की वीडियो डाल रखी है, आप सेम प्रोसेस करते हैं ब्लेंडर डेवलपर के साथ में। तो देखो, जैसे हमें जो पैसे देगा हम उस हिसाब से काम करते हैं, इस, है ना, हमें हर चीज़ सोच के ही करनी पड़ती है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें ऐसे ही हाईलाइट कर दो, लेकिन सही तरीका तो यही होता है, पहले आपको ब्लेंडर डेवलपर के साथ में काम करना है, उसको क्लीन करना है, देन आपको कलर ट्यूब उसके ऊपर डिपॉजिट करनी है। उससे क्या होगा, आपके बाल सेफ रहेंगे, बाल ड्राई नहीं होंगे, बालों के ऊपर एक मॉइस्चर बना रहता है, बाल सॉफ्ट नज़र आते हैं, ये चीज़ होती है। तो हमने क्या किया, उसको पहले हमने रिमूव किया जो हमने ब्लेंडर लगाया हुआ था, ब्लेंडर के ऊपर हम कर रहे हैं कलर की एप्लीकेशन जो हमने ट्यूब लिया था। और हमेशा आपको 20 वॉल्यूम डेवलपर लेना है, आपको इस तरीके से मल्सीफाई करना है बहुत अच्छे से, 8 से 10 मिनट आपको उसको रखना है, देन आपको वॉश कर देना है, बस यही तरीका होता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। कोई ये सोचते हैं कि पता नहीं किस तरीके से हम करेंगे, कितना समय रखना है, सीधे सीधे आप 8 से 10 मिनट रख दीजिए, देन उसको सिंपल पानी से या शैम्पू से आप उसको वॉश कर दीजिए सीधे सीधे। और जब हम ब्लेंडर करते हैं बालों में, जो प्री लाइटनिंग करते हैं, वो डिपेंड करता है, किसी को 15 मिनट भी रखना पड़ता है, किसी को 20 मिनट, तो किसी को 25 मिनट भी, क्योंकि किसी किसी के बालों में बहुत जल्दी से कलर आ जाता है, किसी के बालों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। तो इनके बालों में हमने मतलब बहुत जल्द 10 मिनट के अंदर में ही काफ़ी अच्छा कलर आ गया था, एज़ यू कैन सी, है ना। तो हमने 10 से 12 मिनट इनके बालों में डेवलपर रखा, उसको फिर क्लीन किया, क्लीन करने के बाद मैं साथ के साथ करते जा रही थी वो कलर की एप्लीकेशन, बिकॉज इनके बाल इतने ज़्यादा हैवी थे ना, मैंने सोचा अगर सारे बालों से फॉयल निकाल के फिर एप्लीकेशन करूँगी तो उसमें मेरा ही टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज हमें एक एक लेयर को ढूंढना पड़ेगा ना। फिर मैं क्या कर रही थी ना, साथ के साथ ही उसकी कलर की एप्लीकेशन करते जा रही थी। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पूरे बालों में पहले कल प्री लाइटनिंग हो जाने दीजिए डेवलपर और ब्लेंडर की,
और फिर आप बाद में इस तरीके से आप ट्यूब की एप्लीकेशन करें। बट इनके बाल बहुत ज़्यादा हैवी थे तो मैं साथ के साथ करते आ रही थी, और मैंने ग्लव्स नहीं पहना। आप बोलोगे कि बिना ग्लव्स के किस तरीके से, तो मुझे मैंने ग्लव्स पहने थे बट मुझे उसमें ना प्रॉब्लम हो रही थी एक एक करने में। मुझे ग्लव्स के साथ उतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे ऐसे अच्छा लगता है। तो हाँ, थोड़ा सा नेल में दर्द होता है जब आप ऐसे काम करोगे ना काफ़ी देर तक, कई घंटे तक, तो आपके नेल्स में ना थोड़ा थोड़ा सा पेन जैसा महसूस होगा, बट वो थोड़ी देर का रहता है फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो मुझे भी ऐसे रहा काफ़ी देर तक, थोड़ा पेन रहा मेरे नेल्स में, दर्द रहा, बट थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो गया। तो आप अगर ग्लव्स के आदि हैं, आप कर सकते हैं ग्लव्स के साथ काम, तो आप बिल्कुल करना। बट मुझे ग्लव्स के साथ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या कर रही हूँ अभी आप देख रहे हैं ना, एक एक लेयर मैं निकाल रही हूँ और उसको मैं रखा मैंने 8 से 10 मिनट। फिर जब मैंने देखा कि हाँ इनका कलर आ गया जो इनको चाहिए था, फिर मैंने उसको अच्छे से रिमूव कर दिया। तो बिल्कुल सेम है। और प्री लाइटनिंग मैंने कैसे किया है, इसकी फुल वीडियो मैंने इस वीडियो से पहले ही अपलोड करी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि उसको मैंने लेयर किस तरीके से निकाला था और कितने मिनट रखा, उसमें मैंने फुल डिटेल दी है। उस वीडियो का जो लिंक है ना, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप प्लीज़ चेक कर लेना। मैंने यही सोचा था कि इस वीडियो को दो पार्ट में रखूँगी, एक प्री लाइटनिंग की और एक प्री लाइटनिंग के बाद जो कलर डिपॉजिट करते हैं उसकी। तो आप देख लीजिए कितना अच्छे से कलर आ गया है ना। फ्रंट में रह गया था क्योंकि इनके बाल बहुत ज़्यादा हैवी थे, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो हमने क्या किया, इस सिल्वर फॉल को हमने ऐसे ही रैप करके छोड़ दिया बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा था। इनके बाकी ही हेयर को हमने वॉश करा दिया। पहले मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल पानी से वॉश कर रही हूँ, फिर उसके बाद हम शैम्पू करेंगे। शैम्पू के लिए मैंने यहाँ पे लिया मैट्रिक्स का शैम्पू। शैम्पू मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आप ये ले सकते हैं। और इसी शैम्पू को मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से बालों को पहले गीला करना है, बहुत अच्छे से, मतलब जो भी कलर है ना सारा का सारा कलर निकल जाना चाहिए। इस तरीके से आपको हेयर वॉश कराना है। ठीक है, हेयर वॉश करने के बाद फिर आपको बालों को ड्राई करना है। ड्राई के बाद आप देख लेना किस तरीके का रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे हमने इनके बालों को वॉश करा दिया। वॉश कराने के बाद टॉवल ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद इनको ब्लो ड्रायर से ड्राई करना है। तो अभी मुझे इनके बालों में थोड़ा सा क्या लग रहा था, एक तो इनको भी बहुत ज़्यादा जल्दी थी, इनको भी जाना था है ना, और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इनके बालों में। और ऊपर वाले जो बाल है ना, थोड़ा सा उसका जो कलर है वो कॉपर जैसा है। वो मैं क्यों आया मैं बताती हूँ। इनके ऊपर वाले जो नीचे वाले हेयर थे ना, उसमें तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, मतलब जितना टाइम हमें रखना था सब कुछ बहुत ओके हो गया। वो जो ऊपर वाले लेयर थे ना, वो उसमें अगर हम 10 मिनट और उसको रख देते जो प्री लाइटनिंग हम कर रहे थे, तो बहुत अच्छा कलर आता। बट इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसे भी अच्छा लग रहा है, कलर शेडिंग आ रहा है, मतलब कॉपर और फिर नीचे का ब्लॉन्ड, तो उनको ऐसे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। तो आप देख रहे होंगे ना, नीचे वाले कलर थोड़ा सा अलग है और ऊपर वाले जो हेयर है वो थोड़ा कॉपर कॉपर टोन में। तो वो इसी वजह से जो हमने प्री लाइटनिंग किया था ना, उसको हमें मीन्स जल्दी हटा दिया, क्योंकि अगर उसमें हमें टाइम लेते तो फिर हमें कलर ट्यूब भी करना था, फिर उसमें भी टाइम जाता है ना। तो इस चीज़ की वजह से थोड़ा सा लग रहा होगा, बिकॉज इन्होंने भी कहा कि नहीं सीमा मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। तो अभी आप देखिए प्रॉपर कलर ये आया है, जो नीचे वाले बालों को देख रहे हैं ना, हमने बिल्कुल टाइम पे ही इसको हटाया। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर आया। और इनके बालों में भी आपको थोड़ा सा मैसी मैसी जैसा लग रहा होगा, बिकॉज इनके बालों का जो टेक्स्चर है ना वो फूला फूला टाइप का है, फ्लफी हेयर है। तो जब ये अपने बालों को स्ट्रेट कर लेंगे या फिर रोल कर लेंगे तो बहुत अच्छे से विजिबल होगा, एक एक लाइन विजिबल होगी। एज यू कैन सी अभी मैं बालों को ऐसे कॉम कर रही हूँ, तो आप देख लीजिए कितने अच्छे से एक एक लेयर देख लेना। तो उसी वजह से, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइज। वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।